आयुर्वेद में आहार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है सो so, अगर इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल बींग जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बलेगा और वी uh, दैट अगर हम आहार को औषध जैसे लेंगे तो औषध को कभी आहार जैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आई लव सेंटेंस इतना कुछ बोल रहा है ये। Without experience, yeah. सब कुछ समझा रहा है yeah. एक या, एक या, और जो आयुर्वेद में है इट इज बताता है ना कि बड़े से छोटा जैसे मैक्रो से माइक्रो माइक्रो से नैनो सब कुछ चीजें उन्होंने सोची हैं दैट इज द अष्ट आहार आयतन विधि दैट इज द आहार विधि उनको कैसे बनाना है कैसे उसको खाना है सो so ये कहाँ पे बना है दैट कॉल्ड द प्रकृति देश काल उस सारे के जो उसको लेने वाला है हम किस रीजन से बिलोंग करते हैं खाना कहाँ से आया है और दैट इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब के आपको कहाँ कैसे खाना चाहिए जहाँ शांत मन से uh, स्वच्छ जगह पे uh, ना ज्यादा हंस के ना ज्यादा Uh, uh, एकदम धीरे धीरे स्लोली तो और मात्रा जिसको बोलते हैं अति सर्वत्र वर्ज्य तो हमें हमारे uh, जो पेट का भाग होता है उसमें अगर हम चार भाग डिवाइड करें इफ टू एज अ कंसिडर एज अ सॉलिड लिक्विड एंड वन टू ग्रीन दैट जो हमने फूड खाया है स्पेस सो दैट वी कैन चर्न दैट फूड डाइजेस्ट दैट फूड इजीली so it's so beautifully written in ayurveda and definitely in our sahitas there is a month wise diet for pregnant women. and according to the ras pradhanya so according we have a shadrasa that is the madur, al, uh, madur amla lavan katu tik kashay and with that every ras has their own specific uh, importance so if i would like to say when we are in a planning or in a second month so the रस प्राधान्य इज अम्ल एंड लवन सो दैट वी कैन एलिवेट आवर टेस्ट बर्ड्स एंड वी आर एबल टू ईट द फूड इफ यू हैव सीन इन द अर्ली प्रेगनेंसी फीमेल्स आर नॉट एबल टू ईट सम फूड्स एंड दैट्स वाई दे हैव द कुछ खट्टा खाने की क्रेविंग्स एंड दैट हैज गॉड गिफ्टेड कि आपको थोड़ा ऐसा मन होगा सो इट्स अ टेस्ट बट एलिवेटेड एंड वेन वी ईट सम दैट्स सॉल्ट और थोड़ा सा खट्टा तो वो आपको दूसरा खाने के लिए भी क्या खट्टे के बाद तीखे के बाद थोड़ा सा सोयाबी खालो उसके बाद थोड़ा सा मीठा खाना and that's why you are able to eat the food and it's so important uh, and the diet is described upon to the baby development and due to the need of the pregnant woman. right. so uh, when if we all know uh, the fifth month is uh, the brain development of the baby and sixth month there Bones are get, getting stronger, so in that time, it is uh, recommended to have that calcium rich food that is the walnut. Uh, and it is written to you have to make a laddu with almonds with the khadi shakkar. Okay. And you have to take a kshir pak that is with uh, cow milk. Uh, with uh, We have uh, explained some house, but definitely, you can have that kheer, and that is the calcium rich for the bones because the rice is good. Uh, almonds, you have to add that nuts that is the uh, jise hain, right. so it is written so beautifully, and nobody knows that in the ninth month we should also have some bitter taste to get that warmth in the body. So, okay, our baby Tika. is uh, nahin, bitter that is the karwa. Karwa. Okay. yes, so because at that time our body get ready to deliver a baby. तो अभी तक हमने उसको संभालने के लिए थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा शीत वीर्य पाक के हिसाब से खाया था ना वी आर गेटिंग चार्ट अवर बॉडी सो दैट देट दैट इज गेट राइट एंड इज गोइंग टू डिलीवर सो वी आर रिकमेंडिंग लिटिल बिट मेथी लड्डू और सेन इन द मिल्क एंड द घी इन द लास्ट टाइम इज सो देट दैट गेट लस्चर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देट डिलीवरी गेट इजीली

मतलब बोलते हैं ना स्वादिष्ट माँ के हाथ जैसा नहीं वी आर गिविंग ऑल एग्जाम्पल्स थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम कि वो मम्मी जैसा नहीं बनाए बिकॉज दे आर द भाव दैट मदर इज कुकिंग फॉर द फैमिली फॉर द किड्स एंड देट गिवस द सेटिस्फेक्शन जो उसको खा रहा है एंड इफ वी हैव सीन कि अगर हम होटल में जाएंगे तो एक रोटी में भी शायद वी आर फीलिंग फुल ऑफ टमाटर कितने टाइम तक भूख नहीं लगती है एंड एट द सेम टाइम जो खाने वाला है उसको भी वही भाव होता है कि इफ़ यू आर वॉचिंग टीवी एंड वीडियोज तो वी आर नॉट concentrating इन द फूड एंड फूड हैज़ द एनर्जी तो जिस भाव से आप खा रहे हैं वही भाव आपके बच्चे को जाएंगे तो With that food we are creating the prakriti of our baby, uh, the man of our baby. That is the sattvic, rajasic or tamasic. What you wish in your baby, so uh, behave like that. और इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चियर में खाने से पहले भी प्रार्थना करके उसको बोला जाता है। तो so, that should be always practice whether we are pregnant or not it should be in our regular routine before having food just raise it so that our all thoughts get balanced and we are able to eat food with the shant and that good qualities we are able to taste all the food what is there in our plate so definitely bhav uh, is also important for the food and gratitude uh, gratitude gratitude should be always in everything and definitely you should believe that you are a unique and you are going to create a unique human being. So never ever compare yourself with others. So what you can do is no one else can do. Absolutely. Yes. That's a beautiful power. Right? Yes. Absolutely. And they say what we eat is what we are. Yes. Yes. Yeah. Absolutely. Which means ke khana sirf is actually responsible for your vichar and फॉर यारेफिनेटली जिस मंच से खाते है अगर पहले के समय में हमने देखा था तो कुछ खाया तो राजा महाराजा पूछते मुझे ऐसा विचार तो में क्या बना था किस भाव से बना था एंड ऑल आचार इज डिस्कसिंग दिस माइनर एंड थिंग्स ऑन दैट नाउट इज वी आर नॉट टेकिंग दैट मच केयर बट डेफिनेटली फूड हैजैट एनर्जी टू चेंज अवर फिजिकल एंड मेंटल

फिर तो इस टाइम पे वो शक्ति चाहिए तो दैट वही मैं बोलती हूँ कि आप देखिए आप ये का इस खाने का सेवन करें वो वाली म्यूजिक को सुने राइट सी म्यूजिक डायरेक्टली कनेक्ट टू योर सन्सेशन सिस्टम वैसे मंत्रों का चैंटिंग yes. कितनी ब्यूटीफुल सिनर्जी है हर चीज हर, हर चीज हर चीज हर चीज, चीज, चीज एड कर रही है उस चीज को प्रोसेस को स्मूथ yes, करने के लिए एंड क्लियरली दिखाई दे रहा है यस एंड यू हैव ब्यूटीफुल सेड के नाइन्थ मंथ का राग होता है तो ब्यूटीफुल इट इज क्रिएटेड सिनर्जी सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग के गर्ल संस्कार इज अ सो डीप साइन दैट कनेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग इट गिव्स द सिनर्जी एंड व्हाट आई से it's a process it is for the from beginning to the ninth until the baby delivered absolutely absolutely it is beautiful life. yes to like you know jitni, honestly har bar kehte, hai, bhi ho hai. as <laughs> much as we research yes. jo sun re hai, jo re hai, it is a beautiful thing or, uh, और वी आर लकी इनफ के हमारे पेरेंट्स ने नोइंगली अनोइंगली वो सारी चीजें की एंड दैट वी आर एबल टू एक्नॉलेज दैट इन आवर लाइफ टुडे बिल्कुल एब्सोल्युटली मे बी इट्स इजीियर फॉर अस टू अडॉप्ट बिकॉज़ दे हैव नेचुरली डन इट